बीजेपी से हमारा कभी गठबंधन नहीं होगा, इस बात का मैं आज आपको खोल के कह देती हूँ। गठबंधन के लिए मैं कहूँगी कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये हिलने वाला नहीं है। और हमारे बागड़ी में कहते हैं ना, कागले की दुरासी सु ऊंट कौन मरे करे। तो जगह बार बार गठबंधन गठबंधन तोड़न की बात करें, नहीं गठबंधन अटल है, ये 5 साल चलेगा, इलेक्शनों के बाद का गठबंधन है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये जो क्राए 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 कौओं की तरह लगे हुए ना, सिर्फ इनकी एक मंशा है। तो कागले की दुरासी सु कदी ऊंट कौन मरिया, तो ये अटल है और अटल रहे। कोई भी चीज है ना कंडीशन के तौर पे, राजनीति में उनको कहो अपनी फिक्र करे। आज जो रैलियां रद्द हो रही है ना अमित शाह की, ये डर से हो रही है दुष्यंत के, नहीं तो अमित शाह जी क्यों नहीं आए कल उनकी रैली थी। देखो हम महिला पहलवानों के साथ हैं, और वो जो खिलाड़ी बैठी है वो हमारे देश की आन बान और शान है। जब वो मेडल ले लेके आई तो मैं कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व था। उनकी जो बात है उन्होंने रखी है, सरकार ने भी कमेटियां गठित की है, फिर भी मैं कहती हूँ कि सरकार को उनकी जो कमेटियों में है उनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो के अगर उनके अध्यक्ष जो बृजभूषण जी हैं अगर वो कसूरवार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये फैसला जो है ये कमेटियों के थ्रू जाके कोर्ट ने करना है, हम लोग तो कर नहीं सकते, पर मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ।